तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी ठीक और मज़े में होंगे। इस वीडियो में हमने टॉप 5 ऑलराउंडर स्मार्टफोन चूज़ किए हैं अंडर 15,000, जो कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग उसे अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन इन टॉप 5 में से नंबर 1 का स्मार्टफोन बाकी 4 से बिल्कुल यूनिक है। लेकिन भाई लोग स्किप मत करो, लास्ट तक वीडियो देखो। तो टॉप 5 ऑलराउंडर स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं मिलते वीडियो के साथ में। तो नंबर 5 पे आता है रियलमी नार्जो 50, जो कि बहुत स्लिम आप इसे कह सकते हैं और इसकी डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक और तगड़ी है। इसमें आपको मिलता है मीडिया टेक हेलियो G96 का प्रोसेसर और 120Hz का स्मूथ रिफ्रेश रेट और 33W का डार्ट चार्ज स्कूम में इसमें आप देख सकते हैं। और 5000mAh की मैसिव बैटरी जो कि लॉन्ग लास्टिंग है और 11GB तक आप इसका डायनेमिक रैम बढ़ा सकते हैं। और 50MP का ट्रिपल कैमरा भी आप इसमें देख सकते हैं और 16MP का सेल्फी कैमरा जो कि आप इससे काफ़ी तगड़ी फ़ोटो निकाल सकते हैं। और इसकी प्राइस है 12,999। और नंबर 4 पे आता है रियलमी नार्जो 30, और इसमें खास करके हेलियो G95 का गेमिंग प्रोसेसर भी है जो कि काफ़ी मतलब स्मूथ है गेम जो गेमर है उनके लिए। और साथ ही साथ आप इसमें देख सकते 30W का डार्ट चार्जर और 5000mAh की बैटरी जो कि 65 मिनट में फुल्ली चार्ज हो सकती है। और इसमें 90Hz का अल्ट्रा स्मूथ रिफ्रेश रेट और 48MP का AI ट्रिपल कैमरा। और साथ ही साथ इसकी बैक स्ट्रिप बहुत ही यूनिक है, इसकी प्राइस है 12,499। और नंबर 3 पे आता है आइको का Z6 जो कि 5G में अवेलेबल है और ये बहुत सुपर फास्ट और स्मूथ है। और इसमें आप देख सकते हैं 120Hz का रिफ्रेश रेट और साथ ही साथ स्नैपड्रैगन 695 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट और 5 लेयर्स लिक्विड कूलिंग सिस्टम। इसका स्नैपड्रैगन सबसे बहुत तगड़ा है और इसमें आप गेमिंग के लिए खास इसे यूज़ कर सकते हैं। 5000mAh की मैसिव बैटरी 8GB में आता है और इस 4GB तक आप इसका रैम बढ़ा सकते हैं। और 50MP का ऑटो फोकस कैमरा जो कि इस फ़ोन को काफ़ी यूनिक बताता है। और इसकी प्राइस है 13,999। और नंबर 2 पे आता है रियलमी 9i। खास करके मुझे इसका डिज़ाइन बहुत पसंद आया है जो कि काफ़ी तगड़ा है। और साथ ही साथ आप इसमें देख सकते हैं क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 680 जो कि गेमिंग प्रोसेसर भी है और 33W का डार्ट चार्ज और 5000mAh की मैसिव बैटरी जो कि काफ़ी तगड़ी है और 50MP का AI ट्रिपल कैमरा और 11GB तक आप इसकी रैम बढ़ा सकते हैं जो कि काफ़ी तगड़ा है। और इसकी प्राइस आपको देखने मिलेगी 13,999। और नंबर 1 पे आता है रेडमी नोट 11 प्रो जो कि मैंने आपसे बोला था नंबर 1 का बहुत ही खास है। और ये खास इसलिए क्योंकि गेमिंग के लिए भी खास है और इस कैमरा क्वालिटी भी एकदम बढ़िया है और इसकी बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी तगड़ी है। और इसके फीचर्स की बात करें तो 108MP का कैमरा में इसमें देख सकते हैं और साथ ही साथ AMOLED डिस्प्ले 120Hz का रिफ्रेश रेट और गेमिंग के लिए काफ़ी खास है और बहुत ही स्मूथ और मतलब यूनिक है गेमिंग के लिए। तो इसकी डिज़ाइन भी बहुत ही कमाल की है और इसकी मिलेगी 67W की चार्जिंग आपको देखने मिलेगी और सुपर फास्ट डाउनलोड है। और ये मोबाइल 5G में भी अवेलेबल है, मतलब 5G ही है और इसकी प्राइस भी आपको 15,000 के अराउंड मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते ही दूसरे वीडियो में।